एयर स्ट्राइक का सबूत मांगने वालों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रचंड प्रहार किया है। महामिलावटी लोग पाकिस्तान के पोस्टर बॉय बन गए हैं। सेना से सबूत मांगने वालों को पीएम मोदी ने आईना दिखाया है। ये वही खास सिपाहसालार हैं जिन्हें आतंक को बढ़ावा देने वाले अब शांति दूत नजर आने लगे। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को पुलवामा हमला महज एक दुर्घटना लगता है। पीएम मोदी ने दिग्विजय सिंह पर पलटवार किया। मध्य प्रदेश के धार में पीएम मोदी ने कहा कि ऐसे लोग ही ओसामा बिन लादेन को शांति दूत मानते थे। अब ये उनके द्वारा किए गए हमले को सिर्फ एक हादसा बता रहे हैं। आप मुझे बताइए, क्या पुलवामा में जो हुआ वो हादसा था क्या? साथियों, नामदार परिवार के ये वही खास सिपाहसालार हैं जिनको दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी ओसामा बिन लादेन शांति दूत लगता था। अपने विवादास्पद ट्वीट के बाद दिग्विजय सिंह एक बार फिर बीजेपी के निशाने पर हैं। बुधवार सुबह दिग्विजय सिंह ने एक के बाद एक 5 ट्वीट किए। दिग्विजय सिंह ने पूछा कि आज तक मोदी जी ने पुलवामा के आतंकी हमले में इंटेलिजेंस फेलियर के बारे में क्या कार्रवाई की, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, देश को अवगत नहीं कराया, क्या इस विषय पर मोदी जी किसी को जिम्मेदार ठहराते हैं या नहीं, क्या NSA, IB चीफ और रॉ चीफ से आपने स्पष्टीकरण मांगा। एक दूसरे ट्वीट में दिग्विजय सिंह ने सरकार को उन पर मुकदमा दर्ज करने की चुनौती दी। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया, मेरे जिस ट्वीट पर आप व आपके मंत्रीगण मुझे पाकिस्तान समर्थक मानते हैं, देशद्रोही मानते हैं, वो मैंने दिल्ली से किया था, जहां की पुलिस केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। अगर आप में साहस है तो मेरे ऊपर मुकदमा दायर करें। बालाकोट एयर स्ट्राइक के सबूत मांग रहे विपक्षी दलों को गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने भी जवाब दिया। राजनाथ सिंह ने सलाह दी कि सबूत मांगने वालों को खुद बालाकोट जाकर शव गिनना चाहिए। कितने मरे, कितने मरे? क्या हमारे एयरफोर्स के जवानों को मारने के बाद जाकर वहां पर गिनना चाहिए था? 1, 2, 3, 4। यही हमारे कांग्रेस के दोस्तों को लगता हो नंबर उन्हें बताया जाना चाहिए, तो मैं कहना चाहता हूं कि आप जाना चाहते हो पाकिस्तान को जाकर गिन लो, पूछ लो वहां के लोगों से कि हमारे एयरफोर्स के जवानों ने कितने लोगों का सुनाया। पुलवामा अटैक के बाद भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, भारत की जवाबी कार्रवाई से डरा हुआ है, लेकिन हिंदुस्तान में कुछ नेता हमले के सबूत मांग रहे हैं, आतंकियों के शव दिखाने को कह रहे हैं, और यही पाकिस्तान के लिए संजीवनी का काम कर रहा है। पाकिस्तान खुश है कि पाकिस्तान की सरकार के दावों पर वहीं के नेता सवाल उठा रहे हैं। पाकिस्तान किस तरह से भारत के नेताओं का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रहा है, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि वो पाकिस्तान के पोस्टर बॉय बन गए हैं, इसलिए विपक्ष को अब भी सचेत हो जाना चाहिए और देश हित में पाकिस्तान की भाषा बोलने से बचना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।